नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गा प्रसाद आज फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास एक बर्थडे डेकोरेशन का काम आया है। तो मैं इसमें फुल जानकारी देने वाला हूं कि कितना कितना बैलून लगा हुआ है, क्या क्या मटेरियल यूज किया गया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो मैंने इस तरह से फ्रेमिंग करके 12 फिट में मैं इस तरह से मैं अभी बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, ताकि इसमें इसी में बैलून गेट और बर्थडे का टेक लग सके। तो मैंने इस तरह से ब्लू कपड़ा की मदद से मैं इसको बना रहा हूँ। और ये यहाँ पे बर्थडे टेक, जो कि मैं इतना सारा फुला चुका हूँ। इस तरह से अगर आप इस बैलून को, या तो फिर आप कार्ड वाला भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसी बैलून को यूज किया हूँ, और इस तरह से मैं अभी बैकग्राउंड में इस तरह से मैं कपड़ा डाल रहा हूँ। तो मैंने इस तरह से बर्थडे और हैप्पी बर्थडे और बैलून को मैं इस तरह से खड़ा करके मैं काम किया हूँ। इसमें क्या मटेरियल यूज किया गया है, कितना कितना इसमें बजट होने वाला है। तो इसमें जो बजट होने वाला था दोस्तों, ये 2500 का काम था। और इसमें जो बैलून यूज किया गया है, ये 800 बैलून में आपका ये पूरा काम हो गया है। इसमें प्रिंट बैलून भी लगा हुआ है और नॉर्मल बैलून भी लगा हुआ है। अब जो भी कलर अगर पार्टी आपको बोलता है, तो आप उस तरह से आप कलर दे करके आप इस तरह से काम कर सकते हैं 2000 से 2500 तक में। तो मैंने इस तरह से काम किया हूँ। इस तरह का अगर काम अगर सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर वीडियो बहुत सारा डला हुआ है। आप इस वीडियो को देख करके आप उस काम को कर सकते हैं, बैलून काम। तो इस तरह से आप कोई सा भी कलर बैलून में यूज कर सकते हैं। बहुत सारा कलर मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप बैलून खरीदना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के माध्यम से 1000 का पैकेट आता है। जो भी खरीदना चाहते हैं, तो बहुत सारा उसमें कलर आपको मिल जाएगा। तो मैंने इस तरह से बर्थडे डेकोरेशन का काम किया हूँ, और इस तरह से आप लोग के लिए डेकोरेशन के मामले में मैं लाते रहता हूँ वीडियो। तो इस तरह से मेरे चैनल पे भी बने रहें। अगर मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और इस तरह का वीडियो अगर मैं अच्छा लगता हो, तो लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।